हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लास तो पिछले क्लास में हमने जाना था स्केलेटल सिस्टम क्या है और वो कैसा दिखता है और उसके कितने टाइप है एक्जाइल स्केलेटल सिस्टम अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम एक्साइल वो होता है जो स्ट्रेट लाइन में होता head, sternum, है हेड स्टर्नम रिब्स एंड वर्टिक्रल कॉलम उसके पार्ट होते हैं जो लैटरली जो साइड्स की और स्केलेटल सिस्टम निकल के जाता है उसे हम अपेंडिकुलर स्केल्टल सिस्टम से जानते हैं सो द बोन ऑफ फोर लिम्स फोर लिम यानी कि हाथ हाथा दो हाथ राइट और लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट हैंड जिसको हम फोर लिम कहते हैं एक हाथ में हमारे तीस हड्डियाँ होते हैं तीस इंटू टू तो दोनों हाथों के मिला के टोटल साठ यानी कि सिक्सटी बोन्स होते हैं दे uh, इनक्लोड कौन से कौन से ह्यूमरस देखिए स्ट्रक्चर में देखिए आपको ह्यूमरस कहाँ दिख रहा है यहाँ देखिए ये शोल्डर को छोड़ के ये जो लंबी सी बोन दिख रही है इसको बोलते हैं ह्यूमरस ह्यूमरस के बाद जो नेक्स्ट बोन आपको मिलेंगे दो है रेडियस एंड ओलना यहाँ है देखिए रेडियस एंड ओलना उसके बाद कार्पल ट्वेस्ट बोन एट कार्पल कहाँ होता है कोनी जिसको बोलेंगे हम कार्पल वहाँ मेटाकार्पल पाल्म जिसको बोलेंगे हथेली पाल्म ठीक है इसके पास पांच होते हैं आ, उसके बाद फलैंजस डिजिट्स यानी कि उंगलियाँ फलैंजस उसके पास चौदह हड्डियाँ होते हैं आप डिटेल इसको डायग्रामेटिकली देख सकते हैं गिनकर भी देख सकते हैं आपको जो बताया जा रहा है जो बोला बोला जा रहा है उतने ही बोन्स आपको यहां मिलेंगे हिंड लिम्स यानी कि पैर के हड्डियाँ एक पैर में हमारे लेफ्ट पैर में तीस हड्डियां होते हैं राइट पैर में तीस हड्डियां होते हैं तो दोनों के मिला के सिक्सटी बोन्स होते हैं कौन से कौन से देखिए फीमर जो बड़ी सी बोन जो होती है हमारे बॉडी की सबसे बड़ी बोन फीमर जैसे कि स्टपस सबसे छोटी बोन सबसे बड़ी बोन फीमर होती है थाई बोन भी कहते हैं इसको थाइस जिसको बोलेंगे थाई बोन एक पटेला नी कैप जिसको बोलेंगे नी कैप वो एक होता है टीबिया एंड फेबुला ये कहाँ हैं आपको डायग्राम में दिख सकते हैं देख सकते हैं टीबिया और फेबुला कहाँ होता है दोनों एक एक होते हैं टार्सल्स एंकल बोन्स एडी जिसे कहते हैं मेटातार्सल्स पंजा पैर का पंजा पांच होते हैं फिलेंजस उंगलियां पैरों की उंगलियां, चौदह हड्डियां वहां पर पाए जाते हैं ठीक है देन पेक्टोरल गार्डिल्स हाथ की जो कोनी होती है शोल्डर ये उसकी बोन होती है पेक्टोरल गार्डिल उसके दो उसके दो 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 चार दे फॉर्म Uh, um, क्लैविकल कॉलर बोन कहाँ है देखिए क्लैविकल कॉलर बोन और कॉलर बोन कहाँ हैं और ये कहाँ रहती है आप अच्छी तरह से जान सकते हैं जैसे वो दिख रहा है स्केपुला शोल्डर बोन हुँ? स्केपुला क्या है शोल्डर बोन कहाँ है शोल्डर स्केपुला यहाँ है कॉलर बोन यहाँ है ठीक है स्केपुला ये जो दिख रहे हैं ये पोर्शन इसको स्केपुला बोलेंगे स्कोपुला इज ए लार्ज ट्रैंगुलर ट्रैंगुलर है ना ये ट्रैंगुलर शेप का ट्रैंगुलर फ्लैट बोन जो पीछे से भी दिखाई देता है सिचुएटेड इन द डॉर्सल पार्ट ऑफ पीठ में निकल के आता है ये बिटवीन द सेकेंड एंड सेवन थ्रिप्स सेकेंड से लेके सेवन तक स्केपुला मिलेंगे आपको स्केपुला हैज ए स्लाइटली इलवोलेटेड मतलब निकल निकल आता है ब्रिज स्पाइंडस

डीप क्या होता है मतलब तो डिप्रेशन यानी कि गड़ा जैसा होता है जिसको हम ग्लिनोइड कैविटी बोलेंगे विच आर्टिकुलेट द हेड ऑफ द ह्यूमरस टू फॉर्म ए शोल्डर जॉइंट टू फॉर्म ए शोल्डर जॉइंट स्ट्रक्चर में आपको देख सकते हैं स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं ये कहाँ की बोन की बात हो रही है पैल्वी गार्डन जो पैरों की ऊपर की जो बोन होती है हमारे कम्बर के एरिया में उसको बोलेंगे हम पैल्विक इसके पास दो बोन होते हैं टू इंटू वन जैसे टू बोन फॉर्म्ड टू कोसेल बोन्स ईच कौल बोन इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स एलियम एस्टीएम एंड प्यूबिस ये तीन बोन से जुड़कर एक कोशल बोन वहाँ पर बनी हुई होती है आप डायग्राम में देख सकते हैं पेल्विस कहाँ पर है इलियम कहाँ है और व्हाट यू कॉल्ड सेकम ये भी कहाँ है इसका इससे भी कहाँ है आप आराम से डायग्राम में देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं ये उसी का डिटेल है जस्ट रेड ऑन दिस देन आफ्टर द ज्वाइंट्स विल भी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास ये अभी पढ़ सकते हैं लेकिन नको ये थोड़ा सा डिटेल ज़्यादा है यहाँ तक आप जस्ट रेट आउन कर लीजिए लिख लीजिए ठीक है सो आई होप यू पीपल कैन गॉट दिस इफ यू हैव एनी डाउट कई बार बोल चुका हूँ कॉलेज आके आप पूछ के जा सकते हैं मुझे मिल सकते हैं पूछ सकते हैं इस बारे में सर हमें समझ में नहीं आया और डिटेल से समझ बुक खरीद लीजिए एन और जीवित ले ले आ सक के पूछ सकते हैं आप ठीक है सो थैंक यू